नमस्कार दर्शकों, आज हम एक बहुत ही अलग से टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। हमारे पास कुछ पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि हमने यहाँ से मर्दाना शक्ति की दवाई ली है और इससे हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ, और फाइनली जब वो अपना स्पर्म काउंट करवाते हैं और उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है तो वे दंग रह जाते हैं कि ये जो हमने दवाई ली इसकी क्या प्रॉब्लम हो गई हमें, या हमें पता नहीं था हमने क्या दवाई ले ली। तो एक तो सबसे पहले जब भी मर्दाना शक्ति की दवाई लें तो वह एक क्वालिफाइड डॉक्टर से लें। आप जो ऐसे क्वैक से ऐसी दवाइयां ले लेते हैं उनसे जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं और बच्चे होने की क्षमता ख़त्म हो सकती है, बंद हो सकती है। तो जो ये दवाइयां क्या होती हैं, अलग अलग टाइप की दवाइयाँ होती हैं। हम भी देते हैं कुछ पेशेंट्स जो हमें बताते हैं कि हमें कमज़ोरी की प्रॉब्लम होती है। एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास भी दवाएं होती हैं जो साइंटिफिकली प्रूवन होती हैं कि ये इस चीज़ पे असर करेंगी। तो ज़्यादातर पेशेंट जो हमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम बोलते हैं कि हमें मैडम प्रॉपर इरेक्शन नहीं होती है, उनको हम दवाएँ देते हैं जो साइंटिफिकली प्रूवन है और उनका फ़ायदा भी होता है, मगर वो बॉडी के बाकी हिस्सों पे असर नहीं करती है। तो जो दवाइयाँ ऐसी होती हैं जैसे कि स्टीरॉयड के टीके या स्टीरॉयड की दवाएं, ये जो है इनके क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं इसके बारे में हम आपको थोड़ा बताएंगे। तो जो ये टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शंस होते हैं या टेस्टोस्टेरोन की मेडिसिंस होती हैं, जो ये एकदम से शक्ति को इम्प्रूव करने के लिए, या जो लोग जिम में एक्सरसाइज करने के लिए या स्पोर्ट्स के लिए ऐसे चीज़ें यूज़ करते हैं जो आपको इंस्टेंटली बहुत ज़्यादा एनर्जी देते हैं, वो सारी जो चीज़ें हैं वो कैसे एक्ट करती हैं कि हमारी एक बॉडी में एक नॉर्मल मैकेनिज्म है कि हमारा जो दिमाग है वो हार्मोन प्रोड्यूस करता है और वो हमारी टेस्टिस को प्रमोट करता है कि वो दो तरह की चीज़ें करें। एक तो टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन बनाती है जो एक हार्मोन है, और एक टेस्टिस स्पर्म बनाती है जो बच्चे पैदा करने में हेल्प करते हैं। तो जो ऐसी टीके या दवाएं हैं जो लिए जाते हैं उनसे क्या होता है कि इमीडिएटली तो फ़ायदा होता है, इसमें कोई शक नहीं है, तो पेशेंट खुद फील भी करता है कि इमीडिएटली हमने जो ऐसे टीके या गोलियां ली इनसे हमें एकदम से बहुत अच्छा लगा। पर ये क्या करते हैं कि जैसे जैसे हम इनको लेते हैं ये हमारे दिमाग के हार्मोन जो प्रोडक्शन है उस पर असर करते हैं, तो हमारा जो बॉडी का अपना मैकेनिज़्म है वो बंद हो जाता है। तो अगर फिर हम इन चीज़ों के आदि हो जाते हैं कि हमें अगर ऐसी चीज़ लेके फ़ायदा हुआ तो हम उसको बार बार लेने की कोशिश करते हैं, कोई भी गोली या टीका हम उसको बार बार लेने की कोशिश करते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है या हमारा दिमाग है उसको एक मैसेज मिलता है कि हमारी बॉडी में इनफ हार्मोन है, तो वो अपना काम करना छोड़ देता है कि ठीक है बॉडी में इनफ हार्मोन है चाहे किस भी जगह से आए, तो वो जो है हमारे टेस्टिस को प्रमोट करने या स्पर्म या टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करने के जो हार्मोन है उनका काम करना बंद कर देता है कि उसे लगता है दिमाग को कि हमारी बॉडी में इनफ हार्मोन है। तो उससे क्या होता है कि एकदम से अगर हम लेते हैं हमें फ़ायदा होता है तो उसके बाद अगर हमें लगता है कि नहीं अब इसमें बहुत पैसे ज़ाया होते हैं, या हमें लगता है कि अब ये बार बार लेना पड़ रहा है, तो आफ्टर अ वाइल हर एक चीज़ की प्रॉब्लम सामने नज़र आती हैं। तो जब वो लेने लोग बंद कर देते हैं तो उसके बाद बॉडी का अपना मैकेनिज़्म तो ख़त्म हो गया होता है, और वो 3-4-6 महीने बंद करने के बाद ही अपनी नॉर्मल फॉर्म में आता है। मगर उतने टाइम में क्या होता है कि शुक्राणु की प्रोडक्शन नील हो जाती है, स्पर्म बिल्कुल बंद हो जाते हैं। एक और चीज़ है, कुछ लोग आजकल ऐसे प्रमोट कर रहे हैं कि वो ये जो दवाइयाँ हैं मर्दाना शक्ति की दवाइयाँ हैं ये ऐसे देते हैं लोगों को कि आपका जो लड़के होने के चांस बढ़ जाएंगे। तो हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं कि मैं गया था कहीं पे, उन्होंने मुझे दवा दी और उन्होंने मुझे बोला कि मेरे लड़के होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो ऐसी दवा लेने के बाद मेरे स्पर्म प्रोडक्शन नील हो गई। तो लड़का लड़की तो बात की बात है, बच्चा होने की जो शक्ति है उस पर ही असर हो गया। तो ये जो दवाएं हैं ओवर द काउंटर जो हम लेते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी आप कोई भी दवाई का सेवन करते हैं, यानी कि जैसे अगर हम हैं, अगर मान लीजिए हमारे पास एक दवाइयों का डब्बा है और उसमें 10 तरह के पत्ते पड़े हैं और एक खुली दवाई है, हम उसको नहीं खाते, हमें लगता है कि ये दवाई खुली है, पता नहीं कौन से पत्ते से निकली है, पता नहीं ये पत्ते से निकल गई है तो इसके जो एक्शन में ना असर हो जाए। तो जब भी हम ओवर द काउंटर दवाई लेते हैं उसकी प्रिस्क्रिप्शन आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, यानी कि आपको क्या दिया गया है, कितनी मात्रा में दिया गया है। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है का मतलब ये नहीं है कि कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट का मतलब ये है कि ये बता नहीं रहे हैं कि इस चीज़ में ये साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं।
तो जब भी कोई भी दवाई कहीं से भी लें, सबसे पहले तो क्वैक से दवाई मत लें। दूसरा, अगर आप लेते हैं तो आप उसकी प्रिस्क्रिप्शन लीजिए, उसमें कंटेंट लिखवाइए कि ये आप हमें क्या दे रहे हैं, कितने मिलीग्राम दे रहे हैं, इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर ऐसी नॉलेज आपको नहीं दी जा रही, इसका मतलब है देने वाले को भी उसकी नॉलेज नहीं है, तो फिर आप क्या खा रहे हैं आपको क्या पता, और आपको ऐसी चीज़ें क्यों लेनी है जिनके बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है। जो हम डॉक्टर हैं, हम पेशेंट को दवाई देते हैं, वो हमें 10 सवाल करता है कि मैडम इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो ऐसी ही साइड इफ़ेक्ट्स के क्वेश्चंस हमें उन दवाओं पर भी देने चाहिए जो हमें खुली दी जा रही हैं, जिनके ऊपर कोई भी कॉन्टेंट नहीं लिखा हुआ। तो पहली बात तो ये है कि हमें ओवर द काउंटर ऐसी मेडिसिंस नहीं लेनी चाहिए जिनके कंटेंट्स नहीं बताए गए हैं, तो उनकी प्रिस्क्रिप्शन लिखवा कर लेना चाहिए। और दूसरा, उनके बारे में और जैसे गूगल करते हैं वैसे और उसके बारे में रिसर्च करनी चाहिए। और ये जो हम दवाएं आपको बता रहे हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन के टीके या टेस्टोस्टेरोन के जेल्स या टेस्टोस्टेरोन के कैप्सूल्स, ये तो बॉडी में बहुत काउंटर प्रोडक्टिव होते हैं। ये बॉडी का जो नॉर्मल मैकेनिज्म है उसको बंद कर देते हैं, और जो है इसको छः महीने से कई बार एक साल लग जाता है वापस आने में। तो फाइनली मैं यही कहना चाहूँगी कि जब भी दवाई लें, एक क्वालिफाइड डॉक्टर से लें, और उन अगर आपको कुछ खुली दवाइयाँ दी भी जाती हैं, कुछ साइंसेज हैं जिनमें खुली दवाइयाँ होती हैं, मगर वो डॉक्टर बहुत महारथी होते हैं, वह हर चीज़ के बारे में आपको बताते हैं, लिखकर भी देते हैं। इसका मतलब है उनको उस साइंस का पूरा ज्ञान है, और ऐसे लोगों की भी हम रिस्पेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि हम कहते हैं कि आयुर्वेदा या और जो होम्योपैथिक और जो आयुष वेदा और साइंसेज हैं उनके बारे में, मगर उनके भी एक्सपर्ट्स से दवाई लेनी चाहिए, ताकि वो जो आपको बताएं उस बात में फिर आपको समझ में आएगा कि उनको इस बात की पूरी नॉलेज है, वो आपको क्या दे रहे हैं, उसके पूरे आपको कंटेंट्स बताएंगे। और अगर वैसे कंटेंट्स लेकर आपको नुकसान नहीं होता है या वो आपको अश्योरेंस देते हैं, तो फिर कोई हर्ज नहीं है, खुली दवाइयाँ लेना प्रेफर ना करें। फाइनली, अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस हैं या आप चाहते हैं हम किसी और कंटेंट पे वीडियो बनाएं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपके सवालों के जवाब दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।